Hello students, in this lecture we want to study the reactions of alkyl halide. Before that, in last two video we have been seen about the reactions of alkyl halide. तो अपन जैसा पहले भी मैंने आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि अपने को स्टडी कैसा करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. वन होमोलोगस सीरीज इज कन्वर्टेड इन टू अनदर होमोलोगस सीरीज. तो पहले अपन ने दो रिएक्शन देखा है, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ ए अल्केन फ्रॉम अल्किल हैलाइड. तो पहला देखा अपन ने, दैट इज द एक्शन ऑफ ए सोडियम मेटल फॉर्मेशन ऑफ ए हायर अल्केन, इट इज कॉल्ड वर्ट्स रिएक्शन. और उसके बाद में दूसरा देखा अपन ने एक्शन ऑफ मैग्नीशियम मेटल फॉर्मेशन ऑफ ए जीआर, फॉर्मेशन ऑफ ए जीआर अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड. और अल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज कन्वर्टेड इन टू अल्केन. तो टू स्टेप में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में या फिर स्टेट बोर्ड में. हाउ विल यू कन्वर्ट अल्किल हैलाइड इन टू अल्केन बाय यूजिंग जीआर. तो क्या जाएगा फिर, अल्किल हैलाइड आरएक्स, आरएक्स प्लस एमजी फॉर्मेशन ऑफ ए आर एमजीएक्स, आर एमजीएक्स ट्रीटेड विद वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ ए आर एच. तो ऐसा अपन ने दो स्टेप में कन्वर्शन कर सकते हैं. क्लियर? तो ये होगा पहली मेथड, प्रिपरेशन ऑफ ए अल्केन या फिर द केमिकल रिएक्शन. तो पहली देखा अपन ने एक्टिव एक्शन ऑफ ए सोडियम मेटल, दूसरा देखा एक्शन ऑफ ए मैग्नीशियम मेटल, एंड नाउ थर्ड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड ए डीहाइड्रोहैलोजनेशन, डीहाइड्रोहैलोजनेशन या फिर दैट इज द एक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेस, एक्शन ऑफ अल्कोहलिक बेस लाइक ए KOH. ख्याल में रखने का, अल्कोहलिक बेस लाइक ए KOH. तो यहां पर अल्कोहलिक होने की वजह से इट इज इट बिकम्स नॉन पोलर. एक्चुअली KOH इज अ बेस, बट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट प्रोड्यूसेस K पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन ऑन आयनाइजेशन, एट दैट टाइम इट इज अ पोलर सॉल्वेंट. लेकिन यहां पर अल्कोहलिक KOH है तो इट एक्ट्स एज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल के यूज होता है. तो डीहाइड्रोहैलोजनेशन या फिर एक्शन ऑफ ए अल्कोहलिक KOH ऑन ए अल्किल हैलाइड, देखो कैसे, लाइक दैट हियर यू हैव अल्किल हैलाइड, जनरल लिखा अपने अल्किल हैलाइड. तो व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH, व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH, डेल्टा का मतलब हीटिंग, देन देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम गिव्स, क्या मिलेगा फिर यहां पर, लाइक दैट ए. तो यहां का एच और एक्स निकल गया, तो यहां का इलेक्ट्रॉन और यहां का इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन ऑफ ए डबल बॉन्ड, क्लियर. और बाद में एच एक्स इज अ एसिड, ए एसिड कंबाइन विद बेस फॉर्मेशन ऑफ ए सॉल्ट एंड वाटर. तो यहां पर क्या मिलेगा अपन को, के एक्स और एच टू ओ, क्लियर. इट इज कॉल्ड ए डीहाइड्रोहैलोजनेशन एंड ए रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम कॉल्ड ए डीहाइड्रोहैलोजनेशन. तो क्या लिखोगे, रिमूवल हियर डीहाइड्रोहैलोजनेशन, रिमूवल ऑफ That is the hydrogen and halogen atom, halogen atoms from an adjacent carbon atom, from an adjacent carbon atoms as a molecule of hydrogen halide, as a molecule of हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX, रिमूवल ऑफ ए HX, इट इज कॉल्ड ए डीहाइड्रोहैलोजनेशन. और ये हो गया अबाउट द जनरल रिएक्शन, ये हो गए जनरल रिएक्शन, समझ में आ गया. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम व्हेन अल्किल हैलाइड इज बॉइल्ड विद ए अल्कोहलिक KOH, इट इज कॉल्ड ए अल्किल हैलाइड.
और इसको क्या बोलेंगे अपन, अल्किन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। तो सबसे पहले व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन अपन ने देखा। वन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन व्हेन टू रिएक्टेंट्स आर एडेड, अनदर सेकंड वन इज कॉल्ड अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हेन वन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम आर रिप्लेस बाय मीन्स ऑफ ए अनदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम, जो निकल जाता है उसको लिविंग ग्रुप बोलते हैं, क्लियर, उसके जगह दूसरा ग्रुप आता है। और तीसरा आता है एलिमिनेशन। तो हियर कंप्लीट रिमूवल, तो एडिशन और एलिमिनेशन दीज आर इक्वल बट अपोजिट, दोनों क्या है सेम लेकिन अपोजिट में। यहां पर टू रिएक्टेंट्स और मॉलिक्यूल्स आर एडेड, यानी यहां पर रिएक्टेंट और सब्सट्रेट की एडिशन होती है, यहां पर ए ग्रुप ऑफ एटम और ए मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली रिमूव्ड विदाउट एनी रिप्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड ए एलिमिनेशन। तो यहां पर कंप्लीट एच और एच डिस्कार्डेड, निकाल दिया, हकाल दिया उसको, इट इज कॉल्ड ए एलिमिनेशन। लेकिन एलिमिनेशन में फिर से दो टाइप, तो एलिमिनेशन में दो टाइप, एक कॉल्ड है अल्फा अल्फा एलिमिनेशन एंड अनदर वन इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर वन वन एलिमिनेशन वन टू एलिमिनेशन। एक ही कार्बन एटम के पास के एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिमूव्ड, देन इट इज कॉल्ड अल्फा अल्फा, और एडजेसेंट का होगा तो दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा। तो जनरली नॉमेनक्लेचर अपन लिखते हैं कैसे, कि जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है इट इज इंडिकेटेड एज अल्फा, और उसको जो अटैच होगा पहला कार्बन एटम दैट इज कॉल्ड ए बीटा। तो यहां पर रिमूवल ऑफ ए बीटा हाइड्रोजन, क्लियर, रिमूवल ऑफ ए बीटा हाइड्रोजन, यानी अल्फा से हैलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, सो इट इज कॉल्ड ए अल्फा बीटा एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन होगी, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, या फिर इट इज कॉल्ड ए वन टू एलिमिनेशन, इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा एलिमिनेशन या फिर वन टू एलिमिनेशन। व्हाट हैपन हियर, दैट इज रिमूवल ऑफ ए रिमूवल ऑफ हैलोजन एंड हाइड्रोजन एटम, रिमूवल ऑफ हैलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन, रिमूवल ऑफ ए हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन, अल्फा और बीटा के बजाय अपन बीटा एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक ए अल्कोहल, लाइक दैट अल्कोहल कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इन दिस व्हाट हैपन, अब यहां से एच और एच निकल गया, तो दिस कार्बन एटम व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सिंगल सिंगल बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन यहां जो कार्बन एटम फॉर्म हो गया दैट इज कॉल्ड ए sp2। तो एडिशन में उल्टा देखा था अपन ने प्रिपरेशन में, sp2 इज कन्वर्टेड इन टू sp3, तो इन दिस व्हाट हैपन, तो व्हाट हैपन हियर, दैट इज द sp3 कार्बन एटम इज कन्वर्टेड इन टू sp2 कार्बन एटम, यानी क्या जाएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इन टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड कंपाउंड, दैट इज द प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहां पर अपने को, अल्किन, द प्रोडक्ट इज ऑब्टेंड दैट इज कॉल्ड ए अल्किन, क्लियर। उसके बाद में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी वही सेम, टर्शियरी अल्किल हैलाइड इज मोर देन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड इज मोर देन प्राइमरी अल्किल हैलाइड, क्लियर। उसके बाद में नाउ अगेन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर योगा फॉर सेम हैलोजन, हैलोजन सेम है सभी जगह, क्लोरीन 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 है, फिर ब्रोमीन 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 है, तो फॉर सेम हैलोजन
अगर हेलोजन एटम डिफरेंट लेते हैं तो व्हाट हैपन दैट इज द आयोडाइड मोर इजीली देन ब्रोमाइड देन क्लोराइड और देन फ्लोराइड, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इट डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रो हेलोजनेशन, तो लाइक दैट क्लियर। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा सी एफ बॉन्ड, क्लियर, तो इट कैन नॉट बी इजिली रिमूव, तो ये होगा हार्ड रॉक रिएक्टिविटी। समझ में आ गया, तो वन बाय वन अपन एग्जाम्पल लेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल और डिटेल स्टडी करेंगे। समझ में आ गया, तो व्हाट इज मीन बाय डिहाइड्रोहैलोजनेशन, तो व्हेन एन अल्किल हैलाइड इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH देन देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम एज ए मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन हैलाइड, या फिर रिमूवल ऑफ ए बीटा हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड ए बीटा एलिमिनेशन या फिर डीहाइड्रो हेलोजेनेशन गिव्स करस्पॉन्डिंग अल्किल, क्लियर। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हेन एन अल्किल हैलाइड इज बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH देन देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम गिव्स एन अल्किन, इट इज कॉल्ड डीहाइड्रो हेलोजेनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, क्लियर। तो ये हो गया डेफिनेशन फॉर ए वन मार्क, और इसमें से कोई भी एक रिएक्शन लिखना, दिस इज फॉर ए सेकंड मार्क, दो मार्क के लिए था, राइट नोट्स ऑन डीहाइड्रो हेलोजेनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड स्टेट बोर्ड, और दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ए JEE एंड नीट। अब उसमें एक एक एग्जाम्पल लेंगे, तो समझो यहां पर अपन ने प्राइमरी अल्किल हैलाइड लिया, प्राइमरी अल्किल हैलाइड में अगर पहला मीथिल लिया तो व्हाट इज द लिमिटेशन, तो इसका लिमिटेशन आ जाएगा CH3Cl, इट डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रो हेलोजेनेशन, इसका डिहाइड्रो हेलोजेनेशन नहीं होता है क्योंकि मिनिमम टू कार्बन एटम्स आर रिक्वायर एडजेसेंट कार्बन एटम, तो ये होगा लिमिटेशन ऑफ दिस डिहाइड्रो हेलोजेनेशन, दैट इज द मिथिल हैलाइड डज नॉट अंडरगो डिहाइड्रो हेलोजेनेशन। अब उसके बाद में सेकंड एग्जाम्पल लेंगे लाइक दैट, ये हो गया Cl इथिल क्लोराइड, समझो यहां ऐसा लिखेंगे, यहां पर आए लिखेंगे व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन एटम, ये अल्फा कार्बन तो ये हो गया बीटा, एच आई रिएक्ट विथ KOH, तो क्या मिलेगा यहां पर फिर, दैट इज CH डबल बॉन्ड CH, क्लियर। तो व्हाट इज इट्स नेम, इथिल आयोडाइड, IUPAC नेम लिखने का, इट इज कॉल्ड इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 IUPAC नेम लिखने का इथिन, प्लस KR और प्लस H2O प्लस KR प्लस H2, क्लियर। तो ऐसे अपन प्रोपिलीन के लिए, सॉरी N प्रोपिल के लिए ले सकते हैं, थ्री कार्बन एटम, लास्ट कार्बन एटम कंटेन हैलोजन प्लस बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH, रिमूवल ऑफ एच एन बी आर, ये अल्फा और ये बीटा, दिस कंबाइन विथ KBr प्लस H2O, क्लियर, राइट इट्स नेम N प्रोपिल ब्रोमाइड, एंड व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, दिस इज फॉर ए होमवर्क, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3CH और डबल बॉन्ड CH2, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस KI प्लस H2, सॉरी KBr प्लस H2, क्लियर। तो ये अपन ऐसे कंडेंस फॉर्म में लिख सकते, इट इज कॉल्ड प्रोपिलीन, IUPAC नेम लिखने का वन प्रोपाइल, ऐसे N ब्यूटिल के लिए भी ले सकते हैं अपन, N ब्यूटिल से क्या मिलेगा अपने को, ब्यूटिलीन मिलेगा। तो कैसे आएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप डायरेक्ट लिखता हूं CH3CH2CH2 और यहां पर आए व्हेन बॉइल्ड विथ अल्कोहलिक KOH, तो इसका एडजेसेंट ये हो गया, तो ये समझो CH और ऐसा लिखता हूं CH2, ये रिमूवल ऑफ दिस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, CH3CH2 यहां पर, यहां का CH और यहां डबल बॉन्ड आगे CH2 प्लस KR और प्लस H2, ये अल्फा कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड, सो इट्स नेम इज अल्फा ब्यूटिलीन या फिर IUPAC नेम लिखने का,
दिस इज द यंग ब्यूटिल हाइड्राइड. तो ये हो गए प्राइमरी के एग्जाम्पल. अब सेकेंडरी के लिए लेंगे अपन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड. सेकेंडरी अल्किल हैलाइड 2 डिग्री, क्लियर. उसमें दो एग्जाम्पल लेते, जनरली अपन 3 कार्बन एटम हर एक की 4 वैलेंसी. सेकंड कार्बन एटम कंटेन हैलोजन, इट इज द सेकेंडरी प्रोपिल, या फिर इसको बोलेंगे अपन आइसोप्रोपिल. व्हेन बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH तो रिमोल ऑफ, ये हो गया अल्फा जिसके पास हैलोजन एटम है, ये हो गया बीटा, या फिर ये भी हो गया बीटा, ये हो गया बीटा 1, ये हो गया बीटा 2. समझो ये हाइड्रोजन एटम लेके अगर प्रोडक्ट मिला तो क्या मिलेगा यहाँ पर, लाइक दैट CH3CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर. अगर ये हाइड्रोजन एटम लेके अगर प्रोडक्ट निकाला तो क्या मिलेगा, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3 और आगे प्लस Ki प्लस H2O, क्लियर. तो ये दोनों भी प्रोडक्ट, ये सीधा लिखा ये समझो उल्टा लिखा, तो गिविंग ए सेम प्रोडक्ट. ये दोनों भी प्रोडक्ट क्या है, सेम, इट इज कॉल्ड ए प्रोपीलीन, राइट, इट्स IUPAC नेम. ये होगा सेकेंडरी प्रोपील, या फिर इट इज कॉल्ड ए आइसोप्रोपील हाइड्राइड. समझ में आ रहा ना, हाँ. तो स्टेप बाय स्टेप और केयरफुली अगर लिसन करेंगे तो जनरली एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगा. अब उसके बाद में उसके आगे का लेंगे अपन, आगे का 4 कार्बन एटम. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, क्योंकि ये नॉर्मल एग्जाम्पल के जैसा नहीं है. तो यहां पर अपन ने आया लिखा सेकेंडरी, दिस कार्बन एटम इज सेकेंडरी विच जॉइन बाय द 2 कार्बन एटम. यह होगा सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड, या फिर इसका IUPAC नेम लिखो 2-hydroxybutane. When boiled with alcoholic KOH. अब यह हो गया अल्फा, यह हो गया समझो बीटा 1 और यह हो गया बीटा 2 समझो अपने लिए. तो यहां का प्रोडक्ट निकालते पहले अपन क्या मिलेगा, यह हो गया CH3CH2, आगे CH2CH और डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोडक्ट यहाँ का डबल बॉन्ड. लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये भी एडजेसेंट है, इसको लग के एडजेसेंट बोले तो दीवार को दीवार, नेबरिंग कंपाउंड वाल को कंपाउंड वाल है उसको नेबरिंग, यहाँ का भी नेबरिंग रह सकता, राइट का भी नेबरिंग रह सकता, लेफ्ट का भी. यहाँ का अगर निकाले तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH और CH2 आगे प्लस Ki और प्लस H2, इज इट सेम. अब ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग है, तो ये अल्फा कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है और ये बीटा कार्बन एटम के पास डबल बॉन्ड है, सो इट इज कॉल्ड है अल्फा ब्यूटिलीन. क्या नाम आ गया इसका, अल्फा ब्यूटिलीन, और इट इज कॉल्ड है बीटा ब्यूटिलीन, या फिर IUPAC में लिख सकते इसका नाम ब्यूट. एक नंबर के पास डबल बॉन्ड है ब्यूट, यहां पर 2 नंबर के पास डबल बॉन्ड है ब्यूटूनी. लेकिन अब इसमें देखा अपन ने तो दिस ब्यूटूनी इज फाउंड एज ए मेजर प्रोडक्ट, यहां पर ये मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट. वाई तो ख्याल में रखने का इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो वेन सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड is boiled with alcoholic KOH, then the beta butylene या फिर ब्यूटूनी as a major product according to the Sedgepps rule. तो what is the Sedgepps rule? अब Sedgepps rule क्या है, तो statement क्या लिखोगे, तो when secondary butyl bromide is boiled with alcoholic KOH then gives a mixture of alpha butylene minor product bracket में beta butylene major product according to the Sedgepps rule. तो what is the Sedgepps rule? तो when two or more
अल्किन्स आर फॉर्म, दो या फिर दो से ज्यादा अगर अल्किन फॉर्म होते हैं देन एन अल्किन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप, मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप या फिर मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप अटैच टू ऑलेफिनिक कार्बन एटम्स। ऑलेफिनिक का मतलब मैंने पीछे भी बताया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो ये जो कार्बन एटम हो गए इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑलिफेनिक कार्बन एटम। तो व्हेन टू और मोर अल्किन्स आर फॉर्म, दो या दो से ज्यादा अगर अल्किन फॉर्म होते हैं तो क्या जाएगा फिर, एन अल्किन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप, जिस अल्किल के पास ज्यादा अल्किल ग्रुप्स होंगे अटैच टू ऑलिफेनिक कार्बन एटम्स इज फॉर्म प्रिफरेंशियली, इज फॉर्म प्रिफरेंशियली। तो जिसके पास ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे वो जल्दी फॉर्म होगा, उसका प्रोडक्ट ज्यादा रहेगा। तो यहां पर देखेंगे अपन, सॉरी CH3 होना, यहां पर देखेंगे ये जो डबल बॉन्ड है इसके पास एक ही अल्किल ग्रुप है इधर, लेकिन ये जो है ब्यूटिलीन इसके पास एक अल्किल ग्रुप है और एक अल्किल ग्रुप है यानी दो अल्किल ग्रुप, इसीलिए फॉर्म बीटा ब्यूटिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। समझ में आ गया, तो हेंस सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड व्हेन बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, तो देन दैट इज द बीटा ब्यूटिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट, बीटा ब्यूटिलीन एज ए मेजर प्रोडक्ट। व्हाट इज द रीजन, तो ये हो गया सेट्स रूल, और रीजन देखेंगे अपन दैट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अल्किन में, फिर से देखेंगे अपन यहां से कितना ही याद रखने का, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, तो ये याद रखने का दैट इज द सी डबल बॉन्ड सी, दोनों साइड में अल्किल ग्रुप होगा तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में अगर यहां पर R और CH, तो यहां पर CHR होगा विच इज द लेस स्टेबल देन दिस, फिर से यहां पर R टू C डबल बॉन्ड CH2 अगर होगा लाइक दैट, या फिर उसके बाद में RCH CHR इज मोर स्टेबल देन RCH डबल बॉन्ड CH2 मोर स्टेबल देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये होगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो जितने ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे उतना वो अल्किन क्या रहता, स्टेबल रहता। क्लियर, तो ये बाय यूजिंग दिस यू कैन डिसाइड द प्रोडक्ट। क्लियर, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल नीट JEE में आ सकते हैं, तो ऐसे ही सवाल करने का, जिसके ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे, जिस ऑलिफेनिक कार्बन एटम्स के पास ज्यादा अल्किल ग्रुप होंगे विच इज फाउंड टू बी मोर स्टेबल, तो ये यहां पर मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। जैसा समझो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, अब यहां पर मैं लिखता हूं दूसरा लाइक दैट EH आर आर और EH, तो इसके पास एक दो तीन चार अल्किल ग्रुप है, इसके पास दो ही अल्किल ग्रुप है, तो इट फॉर्म ए मोर प्रिफरेंशियली, ये ज्यादा जल्दी फॉर्म होगा और इसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। क्लियर, तो ये हो गया। अब यहां पर फिर से और एक चीज याद रखने का, यहां पर बीटा ब्यूटिलीन मिला अपने को, ये CH3S, तो बीटा ब्यूटिलीन मिला, लेकिन बीटा ब्यूटिलीन फॉर्म है टू टाइप्स ऑफ आइसोमर, यहां पर बीटा ब्यूटिलीन लिखेंगे अपन दैट इज इट शोज सीज एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, या फिर वी कैन से ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म बताता है, तो इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे अपने को
like that, कैसे AC double bond है, ACS3 AH और दूसरा C double bond C cross में लेने का AH, तो ये ऊपर H हो गया, ये नीचे CH3 हो गया, तो ये symmetrical है, it is called cis butane और ये हो गया unsymmetrical, clear? तो it is called trans butane, समझ में आ गया? तो अपन ने देखा trans isomer is more stable than cis isomer, clear? तो ये question बहुत सी बार पूछा है, तो when secondary ब्यूटिल आयोडाइड या फिर सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड व्हेन बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH, तो चार ऑप्शन देते हैं, एक दैट इज ब्यूट 1NE, दूसरा देते ब्यूट 2NE, तीसरा देते ब्यूट 2NE सीज और चौथा ब्यूट 2NE ट्रांस, सामने लिखते सीज और यहां सामने लिखते अपन जस्ट, तो ये हो गया यहां पर सीज और यहां पर हो गया ये ट्रांस, अमॉन्ग दिस विच इज द मेजर प्रोडक्ट, तो दिस ट्रांस ब्यूट टू एन इज अ मेजर प्रोडक्ट, इट इज अ मोस्ट स्टेबल, क्लियर? उसके बाद में हो गया प्राइमरी सेकेंडरी एंड नाउ लास्ट टर्शियरी अल्किल हैलाइड, तो टर्शियरी अल्किल हैलाइड में लाइक हियर CH3 यहां पर BR ले या फिर I ले, व्हेन बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा, ये भी ये अल्फा कार्बन एटम, ये भी बीटा और ये बीटा, ये तीनों भी बीटा क्या है, सेम है, तो कहीं का भी हाइड्रोजन निकला तो यू विल गेट ए सेम प्रोडक्ट, दैट इज CH3 और यहां पर डबल बॉन्ड KBr और प्लस H2, तो ये Br और यहाँ का H, तो यहाँ क्या फॉर्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड, क्लियर? तो व्हेन टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज बॉइल्ड विद IUPAC नेम लिखने का अल्कोहलिक KOH, इट्स कॉमन नेम इज आइसोब्यूटिलीन, ये चार कार्बन एटम है ब्यूटिलीन, सेकंड कार्बन एटम कंटेन मिथिल, so it is isobutylene, right? It's IUPAC name. two methyl prop one ene, clear? तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, इसको और अपन एक्सपांड कर सकते हैं, लाइक दैट CH3 यहाँ पर अगर Br है या फिर सपोज यहाँ पर CH है, यहाँ पर Br है CH3 है, तो what will be the product? अब इसमें दो प्रोडक्ट मिलने के चांसेस है, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा और ये हो गया बीटा, क्लियर? तो इसमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा व्हेन बॉइल्ड विद अल्कोहलिक KOH, तो ये CH3 लिया अपन ने यहां पर, ये CH, अगर ये निकला यहां का, सॉरी अल्कोहलिक KOH बॉइल्ड, अगर ये दो निकले तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या आ जाएगा फिर CH3 ये H और Br, यहां पर डबल बॉन्ड C, यहां C और आगे यहां का निकला CH और आगे CH3, ये प्रोडक्ट हो गया, ये भी हो सकता है ऐसा लाइक दैट, तो क्या मिलेगा अपने को CH3 ये IH ऐसे कैसे रहेगा, यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर? प्लस KBr प्लस H2, तो विच इज द मोर स्टेबल, तो यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो दिया है उसके पास 1, 2, 3 अल्किल ग्रुप है, सो इट इज अ मेजर, यहां पर कितना ग्रुप है, ये तो अल्किल नहीं है, एक ही अल्किल ग्रुप है, सो इट इज अ माइनर, या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं अपन, सेफ रूल,
Zipf's rule. क्या लिख सकेंगे दूसरा पार्ट, दैट इज अब यहां पर दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होगा या फिर ए हाइड्रोजन एटम रिमूव. तो वेन टू और मोर अल्किन्स आर फॉर्म देन द कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन रिमूव प्रिफरेंशियली. क्लियर. तो कौन सा, दैट इज द बीटा कार्बन एटम, बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज रिमूव्ड प्रिफरेंशियली. तो अपन ऐसा भी सेट्स रूल लिख सकते हैं. तो कौन सा, बीटा हाइड्रोजन एटम कहां का रिमूव होगा, जिस ऑलिफेनिक कार्बन एटम, दैट इज दिस कौन सा है या फिर तो बीटा हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ए कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन एटम है, इसके पास तीन हाइड्रोजन एटम है, तो इसके पास कम है, तो इट रिमूव प्रिफरेंशियली. ये प्रिफरेंशियली रिमूव होगा तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ये क्या मिला आपने को, मेजर प्रोडक्ट. क्लियर. तो ये होगा कंप्लीट नोट्स ऑन डीहाइड्रो हैलोजनेशन. तो इसके ऊपर का कोई भी स्टेट बोर्ड JEE नीट CET का आपको क्वेश्चन सॉल्व करते आना चाहिए. तो ये सब लिखो, मेक नोट्स. ओके.